तेरी मम्मी को भेज दिया, हो जाएगा 400 भी हो जाएगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। तो क्या हाल चाल है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टार्टिंग वाला सीन तो आपने देख ही लिया होगा, क्रॉसबो और भाई जो लॉबी में मेरे को एक बंदा गाली दे रहा होता, आगे चल के उस बंदे से अपनी फाइट होने वाली थी, वो बंदा भी यहीं पे लैंड किया होता है। देखो एक बंदे को मारता हूँ, सामने बॉट आता है, इस बॉट को यहाँ पे नॉक करता हूँ और मेरा इस बंदे ने किल चुरा लिया। भाई मेरा गुस्सा एकदम सर पे सवार, एमो होती नहीं है यहाँ पे, वरना मैं इस बंदे पे स्टार्टिंग ही पुश करके मार देता। पर यहाँ पे आता हूँ, इसकी क्रेट से बॉट में AKM मिल जाती। अब देखो भाई इस बंदे को यहाँ पे जो मारूंगा ना भाई, आता है यहाँ पे, इसको तुरंत घूम के मार देता हूँ। इससे पूछता हूँ भाई तू ही था क्या ऑल पे गाली देना, तो ये नहीं होता है। तो भाई देखो आपका रैंक एंड टियर क्या चल रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि रैंगल में मर मर के हम लोग नूसा में आ जाते हैं प्लस लेने के लिए। अब देखो जो बंदे ने हमको गाली दी होती है वो बंदा यहीं पर होता है, सामने क्रेट के पीछे बैठा होता है। हम लोग डिसाइड करते हैं भाई ऊपर जाके इसको सीधा मारेंगे और भाई इससे ऑल चैट में बात करेंगे, भाई तूने गाली कैसे दी। तो उतने में ये बंदा नेड फेंक देता है, नेड फेंकने के बाद भाई मैं फीदा घुस जाता हूँ, आर ना पार भाई देखेंगे भाई। तो भाई ये बंदा भागने लगता है, इसको डैमेज करता हूँ काफ़ी ज़्यादा। उतने में भाई मैं टीममेट को कॉल देता हूँ, भाई बहुत डैमेज है, इसको पकड़ तुरंत मार। तो भाई मेरा टीममेट यहाँ पे नॉक तो कर देता है इसको, उसके बाद इसका सेकंड जो बंदा होता है तुरंत ही लैंड कर लेता है, मेरा टीममेट उसको भी भर देता है यहाँ पे। अब भाई देखो यहाँ पे जो सीन होने वाला ना भाई, टाइमिंग देखो 1 मिनट बाकी है यहाँ पे, 1 मिनट से ज़्यादा। और भाई इन बंदों को, एक बंदा तो इनको ऑलरेडी रिकॉल हो रखा होता है, और ये जिस बंदे ने गाली दी होती है ये बंदा रिकॉल होने को बाकी था। भाई इस बंदे को तड़पा देंगे, रिकॉल भी नहीं होने देंगे, क्योंकि भाई मैं इससे पूछता हूँ भाई तूने गाली कैसे दी, ऑल पे भी माँ की गाली दी। तो भाई इसको इतनी गालियाँ देते हैं, हालांकि मेरी आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि रिकॉर्डिंग करते आवाज़ नहीं आती। मैंने इसको इतनी गालियाँ दी ना भाई, इसने मेरे को एक गालियाँ दी तो मैंने इसको 1000 गालियाँ दी। तो भाई देखो अगर तुम गाली दोगे तो भाई गाली खाओगे, ठीक है, साफ बात है। तो भाई इसको यहाँ पे रिकॉल नहीं होने देते हैं, लास्ट में पता नहीं कुछ बोलता है, समझ में नहीं आता है। हम लोग डिसाइड करते हैं भाई तेरा रिकॉल तो है नहीं भाई, तेको रिकॉल होने भी नहीं देंगे। अब यहाँ पे 7 सेकंड बाकी होता है, रिकॉल तो हो नहीं सकता क्योंकि नूसा में रिकॉल होने के लिए एटलीस्ट 15 सेकंड से ऊपर मरो, यानी 16-17 सेकंड तभी मरो, तभी आपका रिकॉल हो पाता है। तो भाई यहाँ पे इस बंदे का तगड़ा वाला माइनस हो चुका होगा भाई, और ये बंदा सुधर भी गया होगा, अगर ये थोड़ा समझदार होगा तो दोबारा किसी ऐसे बंदे को गाली नहीं देगा। तो भाई आ जाते हैं इस वाले घर पर, जो यहाँ पर होता नहीं है साइंस सेंटर में, तो इस वाले घर पर आ जाते हैं। ये वाला घर खाली होता है यहाँ पर, और भाई इस वाले मैच में जो इंटेंसिटी होने वाली है ना, आप देख के एकदम हैरान हो जाओगे भाई, वीडियो को मिस मत करना। सामने मतलब एक हैकर टाइप का बंदा होता है, पता नहीं वो हैकर होता भी है कि नहीं समझ में आता है, ऐसा बहुत गलत मार रहा होता है वो लॉबी में। मैंने उसको स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम किल किया था। अब देखो किल फीड नोटिस करना, देखो सीधा 2-3 बंदों को इसने ऐसे मार दिया एकदम हलो की तरह, ठीक है। अब उधर जोन होता नहीं है, मैं ऐसे वेट कर रहा होता हूँ जोन आने का, उतने में ये बंदा स्पॉट होता है, यहाँ पे डैमेज करता हूँ इसको, वही बंदा होता है ये। अब देखो ये कवर में चला गया, मैं वेट कर ही रहा होता, देखो फिर से बंदे ने एक बंदे को नॉक किया। अब मैं वेट कर ही रहा होता कि भाई कैसे भी जोन है और भाई इस बंदे को यहाँ पर निकलना ही होता है। मैं स्पॉट करके यहाँ हार्ट पीक लेके बैठा होता हूँ, बस जोन का वेट कर ही रहा होता हूँ कि भाई ये बंदा निकलेगा, इसको सीधा किल मारूंगा क्योंकि ये बंदा थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होता है। अब देखो जोन आ ही रहा है और ये बंदा पीछे भागेगा, और भाई यहाँ पे इसकी यही बड़ी गलती होती है, वैसे भी इसको मरना था तो भाई इसने किल दे ही दिया। तो अब देखो भाई यहाँ पर मोट मोट करके भाई इसको छिड़ा देते हैं, फिर उतने में भाई जोन अब हमसे कट जाता है और भाई सेंटर जोन से भाई यहाँ पर एज हो जाता है, तो भाई हम लोग को जाना होता है। उतने में राइट साइड ऊपर बंदा मेरे को स्पॉट होता है, फिर देखो यहाँ पे थोड़ा सा जोन तो होता है, इसके बाद वाला जो जोन होता है हम लोग से यहाँ पे शिफ्ट होने वाला है। उससे शिफ्ट होने से पहले भाई देखो यहाँ पे एक लैम्बोर्गिनी जाती है, इसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता हूँ, बट यहाँ पे बंदा उतरता नहीं है। हम लोग को जोन जाना होता है, डिसाइड करते एकदम पूरा लेफ्ट साइड से जाएंगे क्योंकि भाई राइट में जाना खतरे से खाली नहीं होता है। बंदे बचे होते हैं यहाँ पे 6 बंदे हम लोग को छोड़ के। अब देखो भाई जोन काफ़ी दूर चला गया है, जोन यहाँ पर काफ़ी जल्दी जल्दी बनता है,
क्योंकि 10-11 मिनट का ही मैप होता है ये। हम लोग लेफ्ट साइड से जाते हैं और देखो भाई इतनी ख़तरनाक फाइट होने वाली है ना ऊपर जाके, सोच भी नहीं सकते हो। देखो एक बंदा किल फीड में अपने आप को ही फोड़ लेता है यहाँ पे, पता नहीं क्या नशे में होता है भाई। अब देखो सामने वाला जो पेड़ दिख रहा है आपको, वहाँ पे बंदे होते हैं। हम लोग को जोन जाना होता है, यहाँ पे जोन में तो आ जाते हैं पर लोअर ग्राउंड होता है, तो मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ भाई ऊपर वाले बंदे को मारेंगे, ऊपर वाली रीजी लेंगे, क्योंकि नीचे रहना बहुत बेकार सीन है भाई। नेट वेट करके भाई सीधा रश मार देते हैं यहाँ पे। देखो स्मोक में प्रिफायर करता हूँ, कोई नहीं मरता है। उतने में नीचे एक बंदा स्पॉट होता है, वही मैं सीधा ऊपर चल जाता हूँ क्योंकि भाई सीन होने वाला था, पीछे भी गाड़ी आ चुकी होती है। देखो एक बंदे को यहाँ पे मारता हूँ, काफ़ी डैमेज हो जाता हूँ। आप देखो सेकंड बंदा भाई मेरे को यहाँ पे एकदम 2 HP कर देता है भाई। अब बचे होते टोटल 2 बंदे नीचे, और मैं टीममेट को बोलता भाई नीचे से बंदा आ रहा है थोड़ा सा कवर देना नहीं तो सीन हो जाएगा। एक बंदे को मार देता है यहाँ पे मेरा टीममेट, बट भाई अब देखो लास्ट वाला बंदा जो पत्थर है पत्थर के पीछे होता है, नेट तो होता नहीं है भाई। मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई थोड़ा सा राइट में जाना, ये मेरे साइड आएगा तो भाई इसको यहाँ पे ईजी किल कर देंगे। अब देखो भाई इस वाले बंदे को भाई यहाँ पे इजी किल कर देंगे भाई। इस वाले गेम में अपने को यहाँ पे 7+ मिल जाता है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या आप भी नूसा खेलते हो?